एट लास्ट अपना जो एवरेज रह रहा है। तो सामने आप देख पा रहे होंगे कि थ्रेसिंग चल रही है सोयाबीन की, और जो वैरायटी है वो है M85, और ये मात्र 1.5 एकड़ में लगी थी और बीज अपन ने डाला था लगभग 50 किलो, और जो इसमें 1.5 एकड़ में उत्पादन हुआ है, और अपना जो 1 एकड़ का एवरेज आ रहा है वो आ रहा। और सर काम शुरू कर दिया है। ऑल सेट, तो दोनों टायर खोल लिए हैं और ट्रॉली के अंदर भी डाल लिए हैं। चलो अब इनको लेके चलते हैं और नए टायर डलवा के लाते हैं। एंड इसमें डीजल चेक भी कर लिया है, डीजल कम है तो डीजल अपन पेट्रोल पंप से डरा लेंगे। पोल सेट द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। कब भूख लगे आई, टायर चढ़ गए हैं। ऑल सेट, इस ट्रॉली को कर दिया है रेडी, दोनों टायर डाल दिए हैं। अपन अभी वाला ट्रैक्टर लेके चल रहे हैं खेत, और उसके साथ अपन सोनाली का भी लेके चल रहा है। पहले उसमें डालना है डीजल, तो चलो उसमें डीजल डालते हैं। चुंगा, हाँ चुंगा मिलो ले आओ। सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो मुझे अभी अभी याद आया कि आज के ब्लॉग में अपन ने इंट्रो नहीं दिया है, पर आज अपनी सोयाबीन की थ्रेसिंग स्टार्ट होनी है। तो अभी अपन जा रहे हैं अपने खेत पे, इस ट्रैक्टर में ट्रॉली अटैच कर ली है, इसमें करते हैं थ्रेसर अटैच और चलते हैं खेत की तरफ। और आज M85 की थ्रेसिंग करनी है, तो चलो चलते हैं। फिर NR 138 की भी थ्रेसिंग करनी है और देखेंगे कि कैसा क्या प्रोडक्शन रहता है। चलो सबसे पहले अपन इसमें थ्रेसर अटैच करते हैं, और थ्रेसर अपन ये वाला ले जा रहे हैं। ऑल सेट, पाना वगैरह भी रख लेते हैं क्योंकि अभी थ्रेसर की काफ़ी सारी सेटिंग वगैरह बनानी पड़ेगी। लेट्स गो। ऑल सेट, चलो चलते हैं। अभी फिलहाल अपने पास दो ट्रैक्टर ही है, और अभी अगर ज़्यादा वर्क लोड आ जाएगा तो अपन एक की और जुगाड़ कर लेंगे। ऑल सेट, खेत तो पास लगा के बंद कर दे। ऑल सेट, खेत तो अपन आ गए हैं, पर यहाँ पे काफ़ी दिक्कत वाला काम है। मुझे कम से कम 200 मीटर रिवर्स करके ले जाना पड़ेगा, और रास्ता बहुत बेकार है। चलो अपन तो हैवी ड्राइवर हैं, चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे आगे जाके ट्रैक्टर मुड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे बीच में नदी भी है, तो नदी में से भी रिवर्स में ही निकालना पड़ेगा। नदी में गया तो समझाता हूँ कि वहाँ से ट्रैक्टर आता तो यहाँ पे तो घुस नहीं पाता, तो अपन रिवर्स लेके आए हैं और अप साइड घुस जाएगा। ऑल सेट, यहाँ पे चल रही है कटाई, और ट्रैक्टर लेके अपन आ गए हैं। अभी अपन बना रहे हैं रास्ता, और यहाँ से अपन करेंगे थ्रेसिंग। ये है M85। ऑल सेट, एवरीथिंग लुक्स ऑल द वे फाइन। अब इनके करपा बनवाना पड़ेगा, यानी कि बड़े बड़े ढेर बनवाने पड़ेंगे। और अब मैं जा रहा हूँ घर पे, जो अपनी दूसरी ट्राली है जिसमें अभी अभी अपन टायर डाल के आए हैं, उसको भी उठा के लाते हैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक में अपन दाने भरेंगे, यानी कि
सीड्स भरेंगे और दूसरे में अपन उसका जो भूसा है ग्रेन है उसको भरेंगे। तो उसमें एक टेंट टाइप का बनाना पड़ेगा और फिर अपन उसको थ्रेसर की साइड में लगा देंगे, तो जो भूसा है वो पूरा का पूरा ट्राली में चला जाएगा, तो खेत में भरने की दिक्कत नहीं बनेगी। पर एक काम इजी नहीं है क्योंकि टेंट बनाना काफ़ी ज़्यादा हार्ड काम है, तो घर पे चलते हैं और देखते हैं कैसा क्या टेंट बनता है। और इस ट्रॉली में एक डीपी भी रखी है तो उसको यहाँ पे आके उतारना पड़ेगा, तो उसको उतारना भी थोड़ा कठिन काम है क्योंकि उसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है और उसको बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ता है, अदरवाइज़ उसमें थोड़ी सी भी चीज़ टूट गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलो फिलहाल चलते हैं घर पर और न्यू हॉलैंड को लेकर चलते हैं। मुकदम ऑल सेट, तो अपन ट्रॉली को यहीं पे खोल देते हैं और दूसरी ट्रॉली फंसा के लाते हैं और उसमें भरेंगे अपन भूसा। ऑल सेट, दूसरी ट्रॉली भी कर ली है अटैच। ऑल सेट, ये ट्रॉली भी कर ली है अटैच और जितनी भी एसेसरीज है सब अपने रख ली हैं। चलो चल दें खेत। ट्रॉली को भी रिवर्स में ही ले जाना पड़ रहा है। अब की बार हॉलैंड ट्रैक्टर है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये जल्दी मुड़ जाता है। ऑल सेट, तो अपन उस वाले रास्ते से इस ट्रैक्टर को लेके नहीं आए हैं क्योंकि वो वाला ट्रैक्टर कल थ्रेसर लेके गए थे, कल नहीं परसों ले गए थे, तो फंसने ही वाला था, फिर इसका फंसना तो निश्चित ही था और इसमें वजन भी है। तो अपन दूसरे वाले रास्ते से लेके आए, वहाँ से ऐसे आना पड़ता अपने लिए, अपन वहाँ से नहीं आए हैं, यहाँ से आए, थोड़ी दिक्कत हुई है बट कोई ना। और ये इधर का तार खोल लिया है, अब इसको खोल रहे हैं, चिड़िए हैं, अब इसको उखाड़ना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं किसमें है कितना दम, हिलाओ दम। ऑल सेट, अब अपन इसको लेके चल दे यहाँ से, रास्ता खुल गया। सब रोड़ी लबड़ा भाई यार, मिनट बच गई भैया, सब रोड़ी लबड़ा का एकदम के भूख लगी आई। ऑल सेट, उसको उतार दिया है और अब बनाने वाले अपन टेंट। ऑल सेट, वहाँ पे चल रही कटाई एज यू कैन सी, और अभी मैं यहाँ पे आया हूँ सेटिंग में लाने के लिए। तो चलो साफ्ट फंसाते हैं और इतना कुछ डलवा के देखते हैं और सारी सेटिंग वगैरह चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहले साफ ऑल सेट काम शुरू कर दिया है मेरे हिसाब से, ट्रेनर तो पड़ी बढ़िया काम है। भूसा में जाए तो जा ही नहीं रहेगा। हाय हाय, ऑल सेट, इवनिंग वहाँ पे स्टार्टिंग एंड अपन ने कुछ जुगाड़ रखी है, इसका काम मैं खेत पे जाके बताऊँगा, चक्कू लेंगड़ी और ये इसका काम मैं खेत पे जाके बताऊँगा। फिलहाल चलते हैं खेत, लेट्स गो। नसेसी चढ़ गई ओए। ऑल सेट, तो कर्प वगैरह बन गए हैं और अब अपने लिए इनको उठवाना है, तो मैंने थोड़ा सा दिमाग चलाया है। ये है अपनी सुपर की बोरी, तो मैं कुछ बोरियाँ लेके आया हूँ अपने लिए, उनको इस टाइप से काटना पड़ेगा। चलो अब मैं ट्राई करके देखता हूँ बनता या नहीं। ऑल सेट, अब अपने ट्रैक्टर से डंपिंग भी स्टार्ट कर दी है और अभी जैसे ही ये एरिया अपना कंप्लीट होता है उसके बाद मैं आप लोगों को, एरिया कंप्लीट होता है तो मैं आप लोगों को एवरेज बताऊंगा कि क्या एवरेज रहा। अभी मैं एरिया कैलकुलेटर से जगह कैलकुलेट कर लेता हूँ और फिर अपन प्रोडक्शन तो कैलकुलेट कर ही लेंगे। आंदे
चढ़ा दे ऊपर, धरो सुने चे। सीधे फोन पकड़ तो नहीं मैंने ऐसो, ये ऐसो पकड़े तो आगे बढ़ो आगे। ऑलसेट तो जिसे दी गई आज अपने थ्रेसिंग की वो है 1.5 एकड़स का। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा वो वहाँ पे एक कुआ, और कुएं के साइड से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का अपन सोयाबीन उठाया है। तो अब देखते हैं प्रोडक्शन कैसा क्या रहता है। तो सामने आप देख पा रहे होंगे कि थ्रेसिंग चल रही है सोयाबीन की, और जो वैरायटी है वो है M85, और ये मात्र 1.5 एकड़ में लगी थी, और बीज अपन ने डाला था लगभग 50 किलो, और जो इसमें 1.5 एकड़ में उत्पादन हुआ है, और अपना जो 1 एकड़ का एवरेज आ रहा है वो आ रहा है लगभग। अपन ने एरिया मेजर कर लिया है, और अब अपन घर पर जाके जो बोरियाँ हैं उनको मेजर करेंगे, और इतना अभी अपने पास स्टाफ रह गया है, और आप देख सकते हो पूरा उठा लिया है यहाँ से अपन ने 1.5 एकड़ की जगह का। बाकी की जगह का कटाई चल रही है, वो देखो बोला कि लेबर्स। ये लेबर ने काटा है लगभग 7 आंगुर ऊपर, तो अपन हार्वेस्टर से भी कटवा सकते थे इसको, क्योंकि हार्वेस्टर तो यहाँ कहीं से काट देता, इतने तक 4 आंगुर के ऊपर से काट देता, पर डैडी नहीं मानते हैं। मैं तो हार्वेस्टर चलवाने का सोच रहा था, डैडी ने कहा नहीं लेबर से कटवाएंगे, और अब जो दूसरे खेत वाला है वो अपन हार्वेस्टर से कटवाएंगे। एक में पापा की चलाएंगे, एक में अपनी चलाएंगे, अपनी चलाएंगे। होलसेट तो ये रहा आज का प्रोडक्शन। बोरियां हैं 22, और हर बोरी का वेट लगभग 60 kg होगा। वैसे तो इन बोरियों में 70 kg गेहूं बन जाता है, पर अपन सोयाबीन के हिसाब से 60 kg मान के चल रहा है। एक बार घर पे जाके इनको वेट और कर लेंगे कि इनका वेट क्या है। तो 22 बोरियां हैं, और 1.5 एकड़ जगह थी, और लगभग 2.5 से 3 घंटे लगे अपने लिए थ्रेसिंग करने में, और 50 kg अपन ने बीज बोया था, तो एवरेज अपने लिए 7.5-8 के ऊपर ही मिल रहा है। 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से एवरेज मिल रहा है अपने लिए। हेलो बट लेटेड भी अच्छा प्रोडक्शन मिला है M85 का, और अपन ही ज़्यादातर गर्मियों में ही लगाएंगे। सिर्फ 50 किलो लगाया था, और 22 बोरियां हैं, और अभी भी भर रहे हैं कुछ। साला ये फ़ोन का कवर चेंज करना पड़ेगा, ये फंस जाता है, टार्च नहीं दिखती, टार्च मतलब ये होल अच्छा नहीं है इसका, तो कैमरे की क्वालिटी को हिट करता है। चलो वो लोग वो वाला ट्रैक्टर लेके निकल चुके हैं, अपन इसको भी लेके चलते हैं। ओए होए होए होए, बहुत गंदा हो गया है। तो पल्सर तो अब जा रहे हैं यार अपन लोगों के लिए छोड़ने के लिए, चलो चलते हैं। पल्सर तो अभी अपन ने घर पे आके पूरा मेजरमेंट किया है, बोरियों का वेट मेजर किया है, और जगह तो अपन ने मेजर कर ही ली थी, तो एट लास्ट अपना जो एवरेज रह रहा है वो 8.5 क्विंटल प्रति एकड़ से ज़्यादा ही रह रहा है। और वैरायटी M85 50 किलो की सीडिंग की थी, और जगह थी 1.5 एकड़। तो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। और कल अपने लिए ब्लैक बोल्ड की थ्रेसिंग का काम स्टार्ट करना है। ब्लैक बोल्ड काफ़ी ज़्यादा है, वो अपन ने बहुत सारा लगाया था, मुझे नहीं पता कितना लगाया था, तो कल से उसकी थ्रेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अभी अपन अपने साउथ फार्म पे अपना काम कर रहे हैं, और अपना नॉर्थ फार्म पूरा का पूरा ऐसे ही पड़ा है, तो उसमें अपन 1 अक्टूबर के समथिंग हार्वेस्टर चलवाएंगे, पूरे में हार्वेस्टर चलवा देंगे, लेबर से नहीं कटवाएंगे। तो फिलहाल दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, बाय बाय, मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग।